सो वेलकम यू ऑल। आज अपन स्टडी करने वाले हैं बॉल मिल, ठीक है। तो दिस अप्रेंटिस इज कॉल्ड बॉल मिल। बॉल मिल जनरली एक साइज रिडक्शन के लिए अप्रेंटिस जो हम यूज करते हैं हमारी लेबोरेटरी में। साइज रिडक्शन क्या होता है? जब हमें किसी पार्टिकल को किसी छोटे रूप में लेना है या पार्टिकल का बड़ा साइज अवेलेबल है उसको छोटा करना है, देन इट कम्स अंडर अवर साइज रिडक्शन। सो साइज रिडक्शन के अंदर आप लोगों ने थ्योरी के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, कंट्रैक्शन है ना। वैसे इस एपरेटस का जो प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट प्लस इस। व्हाट इज इम्पैक्ट? जब हम हथौड़ी से किसी हील पे चोट मारते हैं दैट इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है वहां पर स्ट्राइक होना चाहिए, द वर्ड इज स्ट्राइक। जरूरी नहीं है जब भी हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हथौड़ी आती है, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो शेप हथौड़ी का ही हो, लेकिन स्ट्राइक होना जरूरी है। अगर एक रॉड से भी मारेंगे तो भी स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, पहला है इम्पैक्ट जिसमें कि हम जैसे हथौड़ी चोट मारती है वैसा चोट मारेंगे, और दूसरा है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? एट्रिशन का मतलब होता है, एट्रिशन का मतलब होता है वो वाला प्रिंसिपल जिसमें दो पार्टिकल्स जो है वो दो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में होने वाली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब दो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में होने वाली फ्रिक्शन, हिंदी में बोलो तो घर्षण, या उनके बीच में जो ये समझ लो कि जो घिसाव हो रहा है या जो उसके कारण से उसमें जो सरफेस के ऊपर जो टेंशन आ रहा है या सरफेस जो है वो जो रप्चर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एट्रिशन। तो एक पार्टिकल जो है वो छोटे पार्टिकल्स में कैसे टूट सकता है? या तो इम्पैक्ट होगा या एट्रिशन, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अपन दो की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ दो से डील कर रहे हैं। कौन कौन से? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट मतलब हथौड़ी वाला, ठीक है, और एट्रिशन मतलब जहां पर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं या घिसा रहे हैं, ठीक है, जहां पर रगड़ आ रही है, ठीक है। तो रगड़ आएगी तो क्या होगा? रगड़ आएगी तो इसका सरफेस टूटेगा, इसके सरफेस के ऊपर से थोड़े थोड़े से टुकड़े टूटेंगे। और इम्पैक्ट आएगा तो क्या होगा? इम्पैक्ट आएगा तो टूट के साथ बिखर जाएगा, बिखर जाएगा मतलब चार पांच टुकड़े तीन टुकड़े ऐसा हो जाएगा। Getting my point? समझ आ रही है ये बात इतनी कि impact क्या है और attrition क्या है? तो जब आपका impact होता है, तो यहाँ पर जो principle है इसका, वो दोनों को deal करता है impact और attrition से। इसका working बहुत simple है, इसके working के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है या rocket science नहीं है, इसके technique का है पूरा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर ये दो स्क्रू, अगर आप देखोगे इन दो स्क्रू से ये दो स्क्रू हैं, इन दो स्क्रू से ये बॉक्स लगा हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर दिस बॉक्स लगा हुआ है, अब इस बॉक्स के अंदर दिस इज द बॉक्स है। ये बॉक्स के अंदर हमको हमारा मटेरियल जिसका भी हमें साइज रिडक्शन करना है हम उसको डालेंगे। सपोज अगर हम कोई भी बड़े पार्टिकल से ले लेते हैं या जिसका भी बड़ा बड़ा पार्टिकल उसको हम इसमें लेते हैं, बाद में इसमें फिल करते हैं, फिल करने के बाद में इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद जैसा ये अटैच था इसको वैसा का वैसा अटैच यहाँ पर वापस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये इस ड्रम के साथ घूमेगा ऐसा बोलू, जैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे इधर से तब ये क्या करेगा ऐसा ऐसा घूमेगा, ठीक है। और जब ये गोल गोल घूमेगा उस समय पे इसके अंदर जो हमने पार्टिकल रखे हैं उस समय जिनका हमें साइज रिडक्शन करना है वो वाले पार्टिकल के साथ में हम इसमें बॉल्स मेटलिक बॉल्स, ठीक है। ये मेटलिक बॉल इसके साथ में ऐसा ऐसा रोल करेगी, दिख रहा है अंदर बॉल रोल करते हुए दिख रही है, दिख रही है। अब अगर मैं इसको ऐसा ऐसा करूंगा तो भी दिख रही है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ तो बॉल कैसे घूमेगी ऐसे, और अगर मैं और ज्यादा तेज कर देता हूँ
हाई स्पीड रहेगी, बिल्कुल राउंड। देखा समझ में आया? हमारे घर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल है जिसमें हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं। आप अगर किसी भी धागे को ऐसा घुमाओ, धागे से पकड़ के किसी भी चीज को ऐसे घुमाओगे तो जब तक आप उसको एक प्रॉपर स्पीड से नहीं घुमाओगे ना, वैसा ऐसा नहीं घूमेगा पंखे के। ठीक है, भले उसका धागा कितना भी पतला है लेकिन वो घूमेगा कहेंगे जैसा पंखे के। ठीक है, वैसे ही इनके साथ भी जब आप करोगे, आप प्रॉपर स्पीड लोगे तो बॉल कैसी घूमेगी, पूरा सरफेस। ठीक है, और जब आपका स्पीड कम होगी तो बॉल जाएगा आधे रास्ते ऊपर तक, फिर वहां से नीचे गिर, फिर जाएगा फिर आधे रास्ते नीचे गिर, फिर आधे रास्ते ऊपर तक। ये कब होगा? जब स्पीड मीडियम होगी। जब स्पीड कम होगी तब क्या होगा? वही नीचे के नीचे ही रुड़कता रहेगा बस, नीचे देख लो अभी भी वैसे ही रुड़क रहा है। तीनों के समझ में आ गए? तीनों के इसमें क्या है? अब तीनों में आप डिसाइड करो इंपैक्ट कब है, एट्रिशन कब है। पहला इंपैक्ट कब है, एट्रिशन कब। अब इनके ऊपर अलग अलग चीजों का इफेक्ट है, कौन कौन सी? पहला है इनके ऊपर अलग, सबसे पहला आता है बॉल। तो बॉल में यहाँ पे आप देखेंगे मैं दो तरह की बॉल चलाएगा, एक है छोटी वाली बॉल।